कल शाम को प्रतिभा सिंह जी ने एक विवादित बयान दिया हमारे पत्रकार मित्रों के लिए, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा उसकी निंदा करती है और ऐसा व्यवहार वो पहले भी पत्रकारों के समक्ष करते आए हैं और ये उनकी रजवाड़ाशाही सोच को दर्शाता है कि उनको वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके बारे में कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो उनके मन में आता है वैसे करते हैं, फिर कहते हैं पत्रकार मित्रों पर अपने बयान को कहते हैं कि तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया। तो आज उनसे ये प्रश्न है कि ये उनकी जो बकलाहट है चौथे स्तंभ के लिए उसका कारण क्या है। तो जो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने परिवार को सबसे सर्वश्रेष्ठ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के बाद कांग्रेस का कोई हिमाचल में संचालन करे तो वो प्रतिभा सिंह जी और उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह करे, लेकिन जब वो हो नहीं पाता तो ऐसे ऐसे बयान वो पब्लिक में देते हैं, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जब कोई पत्रकार उनसे परिवारवाद के बारे में पूछना चाहता है तो उनका ये ऐसा रवैया क्यों रहता है, हम उनसे ये भी प्रश्न करना चाहते हैं आज कि उनका ऐसा रवैया क्यों रहता है, बार बार वो ऐसे बयान क्यों देते हैं। तो एक तो ये पूरी तरह से दर्शाता है कि उनका जो पार्टी के ऊपर होल्ड है वो है नहीं, पार्टी काफी ध्रुवों में बट चुकी है। कोई सुकू कैंप है, कोई कौल सिंह है, वहां से मुकेश अग्निहोत्री है, वहां से कल हर्षवर्धन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, जबकि प्रतिभा सिंह जी कहते हैं कि मैं ही सबसे प्रबल दावेदार हूँ। तो आज ये प्रश्न बहुत ही अहम है हिमाचल की जनता के लिए कि कांग्रेस को आगे लेकर कौन जाएगा, इसका उत्तर हम अपने कांग्रेस के मित्रों से आज जानना चाहते हैं। दूसरा जो मेरा विषय है वो कल अमर्यादित टिप्पणियां भाजपा के लिए करी, कभी कहते हैं इनको हरिद्वार नहीं नाले में फेंक दो, तो ये क्या दर्शाता है, क्या उनकी बौखलाहट नहीं दिखा रहा आज कि वो हार देख रहे हैं आने वाले चुनाव में और ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां भाजपा के लिए कर रहे हैं। तीसरा, उनके एक नेता है कुल्लू से सुरेंद्र ठाकुर, कल उन्होंने भी प्रधानमंत्री के लिए एक बयान दिया, प्लस वोटर महिला वोटरों को कह रहे हैं कि आप ये गारंटी पत्र साइन करिए तब हम आपको वो 1500 रुपए जो कांग्रेस की गारंटी है देंगे और कांग्रेस को वोट दीजिए। तो ऐसे हथकंडों से क्या आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है हिमाचल की जनता के लिए। उसके विपरीत आप हमारा लीडरशिप ले लीजिए, हमारा नेतृत्व ले लीजिए, हमारे शालीन मुख्यमंत्री को देखिए, कभी उन्होंने किसी से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करा है। और हम एक सुदृढ़ नेतृत्व को लेकर हिमाचल को आगे लेकर जाने के लिए अग्रसर हैं और इसके लिए हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, विजन भी है, पॉलिसीज भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं जिनको हम हिमाचल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।